हेलो दोस्तों, हमारी नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वैसे तो हम सभी को पता है कि इस दुनिया में प्रत्येक जीवित व्यक्ति की मृत्यु एक न एक दिन जरूर होती है। यह एक ऐसी अप्रिय घटना है जिसका सामना कोई भी व्यक्ति सपने में भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि कोई भी यह नहीं चाहता है कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए जो उस व्यक्ति विशेष या उसके सभी रिलेटिव्स के लिए दुख का कारण बने। लेकिन क्या हो अगर किसी की मौत एक ऐसा भयानक रूप ले ले जिसे देखकर आम इंसान खुद का संतुलन ही खो बैठे। आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके डर से मेक्सिको के बच्चे बच्चे की रूह कांप जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस महिला के साथ, आइए हम आपको बताते हैं। मेक्सिको के उत्तरी भाग में एक मारिया नाम की महिला रहती थी जो बेहद ही खूबसूरत थी। इसका नाम बाद में लाल लोरोना भी रख दिया गया था। मारिया अपने खूबसूरती की वजह से अपने आसपास के इलाके में भी मशहूर थी। इलाके में हर नौजवान उससे शादी करना चाहता था, क्योंकि जब वह अपना पसंदीदा सफ़ेद ड्रेस पहनकर बाहर निकलती थी तो बेहद ही खूबसूरत लगती थी। एक दिन उसे अपनी यात्रा के दौरान एक नौजवान अपने इलाके में दिखा, जिसे देखते ही वह उसे पसंद करने लगी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और जल्दी ही उन्होंने शादी भी कर ली और एक नई खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। मारिया अपने वैवाहिक जीवन से काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसका पति उसकी देखभाल अच्छी तरह से करता था। दोनों के बीच काफ़ी अच्छे संबंध थे। जैसे जैसे समय बीता उनके दो बेटे भी हुए, लेकिन अब उन दोनों में पहले जैसी बात ना रही, क्योंकि मारिया का पति उसे पहले की तरह प्यार नहीं करता था। मारिया अपने व्यक्तिगत अधिकारों को न पाने के कारण काफ़ी दुखी हो गई थी। एक दिन मारिया का पति किसी काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में गया, लेकिन जाने के बाद वह लंबे समय तक वापस न लौटा, जिसके बाद मारिया कई दिनों तक अपने पति का इंतज़ार करती रही। लेकिन काफ़ी दिनों बाद भी वह लौट कर नहीं आया। इधर मारिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। समय बीतने के साथ साथ अपने पारिवारिक झगड़े के कारण वह पागल सी हो गई थी और वह पहले की तरह खूबसूरत भी ना रही थी। एक दिन जब मारिया अपने दोनों बच्चे के साथ एक नदी के किनारे घूम रही थी, तभी उसने अपने पति को किसी दूसरी महिला के साथ घोड़ा गाड़ी में जाते हुए देखा, जिसे देखकर वह काफ़ी दुखी हुई। उसके पति ने अपने दोनों बच्चों की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन मारिया को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, जैसे कि वह मारिया को जानता ही ना हो। इस घटना के बाद से मारिया को बहुत ही गुस्सा आया और उसने यह फैसला किया कि वह अपने पति की आखिरी निशानी यानी अपने दोनों बच्चों को ख़त्म कर देगी। ऐसा भयानक फैसला उसने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसका पति अपने बच्चों से अभी भी बहुत प्यार करता था। उसने बदले की भावना से गुस्से में आकर अपने दोनों बच्चों को उसी नदी में डुबाकर जान से मार दिया। लेकिन जब मारिया का गुस्सा शांत हुआ तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। उसके दोनों बच्चे मर चुके थे और उनकी लाश नदी में बहते हुए जा रही थी। मारिया ने अपने बच्चों की लाश नदी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण उसके दोनों बच्चे बह गए। अब मारिया को अपने किए पर बहुत ही अफसोस हो रहा था। इसी दुख और अफसोस के कारण कुछ दिन बाद उसकी भी मौत हो गई। लेकिन अपने इस जघन्य अपराध के कारण शायद मारिया की आत्मा को शांति ना मिली और वह एक बार फिर से जाग गई। मारिया की आत्मा अब उस नदी और उस गांव के आसपास के इलाकों में भटकने लगी। मारिया के मौत के कुछ दिन बीतने के बाद उस इलाके के कुछ स्थानीय लोगों ने यह दावा किया कि उन्हें एक महिला सफ़ेद ड्रेस में दिखाई देती है, लेकिन बाकी के लोगों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ समय बीतने के बाद उस इलाके से बच्चों के गायब हो जाने की घटना सामने आने लगी और अधिकतर लोगों ने यह बताया कि
कि उन्होंने एक सफ़ेद ड्रेस वाली महिला को देखा है जो हमेशा उस नदी के पास बैठी रहती थी और बहुत ही भयानक और दुख भरी आवाज़ में रोती रहती थी। कोई उस महिला के करीब जाता तो वह गायब हो जाती, लेकिन उसके रोने की वह आवाज़ आती ही रहती थी। उसकी आवाज़ इतनी कृपी होती थी कि अगर कोई भी गलती से भी उस आवाज़ को सुन ले तो वह आवाज़ उसके कानों में कई दिनों तक गूंजती रहती थी। मारिया के मौत के बाद उस गांव में कुछ भी सही नहीं हो रहा था। कुछ ही दिन बीतने के बाद उस इलाके के एक और बच्चे की गायब हो जाने की घटना सामने आई। स्थानीय लोगों ने बच्चों को खोजना शुरू कर दिया। उस बच्चे की तलाश में वह उसी नदी के पास पहुंच गए जहां पर मारिया ने अपने दोनों बच्चों को मार दिया था। काफ़ी खोजने के बाद उन्हें वहां एक बच्चा नदी के दूसरे किनारे पर बेहोशी की हालत में मिला। उस बच्चे का नाम अलेजांद्रो था और उसकी उम्र लगभग 15 साल थी। होश में आने के बाद उस अलेजांद्रो ने जो बात स्थानीय लोगों को बताई उसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। उस लड़के ने बताया कि वह इस नदी के किनारे बैठा था, तभी सफ़ेद ड्रेस में एक महिला इस नदी से बाहर निकली जिसका चेहरा बेहद ही डरावना था और उसके रोने की आवाज़ भी काफ़ी भयानक थी। और वह महिला अपने पास खड़े एक बच्चे को ध्यान से देख रही थी। हम आपको बता दें, यह वही बच्चा था जो अभी अभी हाल ही में गायब हो गया था। महिला उस बच्चे को ध्यान से देख रही थी और वह बच्चा भी उस महिला को लगातार देख रहा था। फिर वह बच्चा अपने आप उस महिला की तरफ बढ़ने लगा और उसके पास पानी में पहुंच गया। उसके बाद उस महिला ने रोते हुए उस बच्चे को पानी में डुबा दिया। कुछ समय बाद उस बच्चे की भी मौत हो गई और वह महिला वहां से गायब हो गई। उस बच्चे का शव नदी की सतह पर आ गया और पानी की तेज बहाव के साथ बहता हुआ चला गया। इस घटना को देखकर अलेजांद्रो काफ़ी डर गया और डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गया। इस घटना के बाद से लोगों ने यह मान लिया कि जरूर यह मारिया की ही आत्मा है, क्योंकि वह हमेशा रोती हुई ही दिखाई देती थी। इसलिए वहाँ के लोगों ने उसका नाम लाल ओरोना दे दिया, जिसका मतलब है रोती हुई महिला। लाल ओरोना का डर पूरे मेक्सिको पर हावी था। एक समय ऐसा भी था जब मेक्सिको के लोग अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं जाने देते थे। यह डर सन 1960 ईस्वी तक था। लोगों का कहना था कि आज भी वह अपने बच्चों को ढूंढ रही है और जब भी कोई उसे अपने बच्चों की उम्र का बच्चा दिखाई देता है तो वह उनके पास जाती है, लेकिन जब वह देखती है कि यह उसका बच्चा नहीं है तो वह उसे मार देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन लाल ओरोना की यह कहानी मन में एक अजीब सा डर बना लेती है। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही कुछ अजीब सी घटना के साथ। तब तक के लिए बाय।